ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने मासा प्राण नवा विश्राम जहाँ पर लिया था, आइए उस विश्राम से शुरू करते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध करके रिसा कर बोले, सेवक सोजो करी सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनो राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। परशुराम जी कहते हैं, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबू ने असीरिस की निगोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भ्रु कुल केतु। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात श्री शिव जी का है धनुष, क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हम रे जाना, सुनु देव सब धनुष समान। का छति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। उधर शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था। सुवत टूट रघुपति ही न दोसु, सुन मुनि बिनु काज करिए कतिरोसु। बोले चितई पर सु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा। और फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन कीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही पिकुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत सा बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। परशुराम जी कहने लगे, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बीएसी लखनऊ बोले मृद बानी, ओहो मुनि सुप महा भटमानी। पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। शेष नाग अवतार लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से कहने लगे, ओहो मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कचु कहा सहित अभिमान। यहाँ कोई कुंभड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से इत कहा था। भृगुसुत समझी जने हूँ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषिरो की। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृकुल वंशी समझ कर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध कर रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गौ माता, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापर ये तुम्हारे। कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरू धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो अब व्यर्थ ही धारण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। जो बिलो की अनुचित कहूं, छमु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगवंश मनि, बोले गिरा गभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इन्हें धनुष और बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के कारण गंभीर वाणी से कहने लगे, कौशिक सुनु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो ही चन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा बल प्रताप और क्रोध इसको बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुध सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार
बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संते सुत पुनी कुछ कहूं, जनी रिस रोकी दुसे दुख सहूं। वीर बत्री तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। और इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर और कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहनीय दुख मत सहिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाए रिसु, कायर कथई प्रतापु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुसुधारी धरेउ करे घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देव दोष मोहि लोगु, कटु बाधी बालक उबद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। परशुराम जी कहने लगे, अब लोग मुझे दोष नहीं दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, छमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहिं न साधु। खरकुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीखी धार का कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़े हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नै ते यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। यह मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। गादी सुनु के हृदय सी, मुनि हरि हरि सूझ। असमय खांड न उखमय, अजौ न भूज अनु अबूज। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहते हैं, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फुलाद की बनी हुई खांड खांडा यानी खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। माता पिता उऋण भय नी के, गुरु बिनु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काडा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बारी बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काटा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा।
भृगुवर परसु देखा वहु मोहि विप्र विचारी वचौ नृपदोही। उधर लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिलो न कबहू सुभट रन गाडे, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। लखन उत्तर ही आहुति श्री भृगुवर को पुकुरशानु, बढ़त देखी जल समय वचन बोले रघुकुल भानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्यमणि श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन कहने लगे। नाथ करहूं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख कर ये न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। श्री राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए, हम सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरीका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अत इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नक सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे हुए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नक से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा ये भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कुट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा, पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। लखन केहूं हसी सुनू मुनि, क्रोधु न पाप कर मूल। जही बस जन अनुचित करही, चरही विषव प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। उधर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, है मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। श्री राम जय, राम जय जय राम भक्तो, आज का विश्राम यही लेते हैं। जपले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान की।